दीजिए उसको, पूरा फुल कीजिएगा तब ये ठीक रहेगा। लेकिन यही है कि हमने एक बच्चे को छोटा सा टास्क दिया था, उस टास्क का मेरा मकसद था, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक चीज हमने देखा, उस चीज के माध्यम से हमने सोचा कि बच्चों को एक टास्क देते हैं और उस टास्क को बच्चे ने बहुत ही शानदार तरीके से पूरा किया है। लेके आई तो क्या है टास्क, सबसे बड़ी बात है शिक्षा का मूल रूप सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता है, टेक्निकली भी हम लोगों को बच्चों को गाइड करना है वर्कशॉप के माध्यम से। और एक टास्क देखिए बच्चे को हमने दिया, ये लग रहा होगा आपको कि ये क्या अजीब चीज है, बड़ा यूनिक सा लग रहा होगा आपको, पता नहीं इसका क्या होगा नहीं होगा, तो आप गेस करके बताइए कि इसका क्या यूज हो सकता है, इसका क्या इस्तेमाल होगा, इसका क्या इस्तेमाल करेंगे? चिड़िया को पानी पिलाने और दाना खिलाने के लिए। अच्छा, जैसे पानी कहाँ पे रहेगा और दाना कहाँ पे रहेगा? पानी रहेगा यहाँ तक और इसमें दाना रहेगा। अच्छा, ये चीज कहाँ पे देखे? कल आपके मोबाइल पर। कल हमारे मोबाइल पर इसको हम दिखाए कि भाई देखो अभी क्या चल रहा है, जैसे गर्मी का वक्त है, अभी गर्मी का वक्त है, क्या हो रहा है कि जो पक्षी है उसको पानी के लिए भटकना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, सामने में एक पेड़ है, उस पेड़ पे इसको हम बांध देंगे और इसमें पानी भर देंगे, इसमें दाना रख देंगे, जिस चिड़िया को प्यास लगेगी इससे पानी पिएगी, दाना खाएगी और पानी पिएगी, तो इससे क्या समझे बात है, एक ऐसा काम है ये पुण्य का काम है, नेक काम है, अच्छा काम है। और ये सोशल मीडिया पे हमको दिखाई दिया, हिंदुस्तान के कई शहरों में इस तरह का चलन देखने में आ रहा है, बड़े बड़े शहरों में यूनिवर्सिटीज वगैरह में कॉलेजेस वगैरह में इस तरह का चीज जो है बच्चों से करवाया जा रहा है और बच्चों को जो मोटिवेट किया जा रहा है कि आप ऐसी चीजों पर काम करें, क्योंकि हमारा मकसद है कि जो नेचुरल चीजें हैं उनको सेव करना, उनको बचाना, और उसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। कोई भी चिड़िया, जैसे कि आप जानते हैं कि चिड़िया चापाकल चला सकती है, चिड़िया चापाकल चलाएगी, नल तो जरूर खोल लेगी, चिड़िया नल खोल लेगी नहीं खोलेगी, चिड़िया पर डिपेंड रहना है। चिड़िया खुद से अपना भोजन बनाती है, कभी आपने देखा है चिड़िया को गैस भरवा करके लाते हुए या चूल्हा में जो है आंच लगाते हुए चावल पकाते हुए सब्जी पकाते हुए ऐसा कुछ भी, या गेहूं का जो है बीज बोते हुए चिड़िया को, ऐसा कुछ भी आप नहीं देखते। चिड़िया किस पर डिपेंड है? हम जैसे लोगों पर डिपेंडेबल है, क्योंकि वो क्या है, बेजबान है, उसके पास जबान नहीं, वो खाना नहीं मांग सकती, तो उसके जो अंतरात्मा की जो आवाज है, उसके जो दिल में बात चलती है, उसको जो है हमको सुनना है और उसको सुनने के बाद उनको ऐसे ऐसे काम को अंजाम देना है। एक गूगल पे भी एक सर्च करेंगे, एक आदमी है उन्होंने 20 लाख का जो है घोसला बनवाया है चिड़िया का, और वो घोसला के नाम से ही मशहूर है। कितना खर्च किया उन्होंने? 20 लाख रुपया किया। किसके लिए? सिर्फ चिड़िया के लिए। मतलब क्या किया, छोटा छोटा घड़ा जो है, या मतलब तार की इतनी ऊंचाई थी, मतलब लगभग 100 फीट की ऊंचाई तक वो छोटा छोटा घड़ा को जो है जोड़ते हुए उन्होंने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, सिर्फ और सिर्फ चिड़िया को जो है घर देने के लिए, चिड़िया को घर मुहैया कराने के लिए। और हम लोग अपना 20 सेकेंड भी नहीं देते। मान लीजिए कोई घर में आपके दाना बच जाता है, उसको प्लास्टिक में हमको बंद करके नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? कारण घर में आपके रोटी बच गया, चावल बच गया, अगर उसको प्लास्टिक में बंद करके फेंकेंगे, कोई गाय अगर खाएगी तो प्लास्टिक सहित खा लेगी नहीं, या कोई जानवर खाएगी तो प्लास्टिक को लेकर खाएगी, इवन कि कोई चिड़िया भी उसको नहीं खा सकती, क्योंकि उसको प्लास्टिक खोलना पड़ेगा। तुमको क्या करना चाहिए, जो खाने पीने का सामान है उसको खुले में रख देना चाहिए, कोई जानवर खा ले या कोई पक्षी खा ले, क्योंकि हम लोगों को नेचर को लेकर के चलना पड़ेगा। एज ए एनवायरमेंटलिस्ट, ह्यूमन बींग के होने के नाते हमारा दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग जो है ऐसी चीजों को जो है प्रमोट करें और आगे लेकर के जाए, क्योंकि शिक्षा रियल एजुकेशन क्या है,
यही है। पता चला कि आप बहुत ज्यादा पढ़ लिखी हो, कोई जानवर भौंक रहा है, कोई जानवर को प्यास लगा हुआ है, आप उसको पानी नहीं दे रहे, तो ऐसा पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप बहुत ज्यादा पढ़ लिए हैं, पानी का नल खुला हुआ है, उसको आप बंद नहीं कर रहे, तो ऐसी शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आपने पढ़ाई अच्छी खासी कर ली हुई है, रास्ते पहले अगर कोई पत्थर है उसको अगर आप नहीं हटाते तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो पढ़ाई का जो मूल यही है कि हमको आपको क्या करना चाहिए, जो भी नेचुरल चीजें हैं उसको हमको सेव करना है, उसको हमको बचाना है। चलिए इसी के साथ बात को विराम लगाते हैं, आप लोग ऐसा ही चढ़ के बांध देंगे, निकालो तार निकालो। ये देखिए फिलहाल अभी बच्चे लगाने की तैयारी में हैं और इसमें जो है गेहूं वगैरह पानी वगैरह डाल दिया जाएगा। पहले गेहूं डाल दिया जाए क्या? पहले इसको सेटिंग करने दीजिए। और रंजन भाई के माध्यम से कोऑपरेशन लिया जाएगा। रंजन भाई थोड़ा संभाल के चढ़िएगा, ये जो है हमारे दादा के ज़माने का ये पेड़ लगाया हुआ है, जस्ट महुआ रोड के जस्ट बाजू में ये पेड़ है, उसको फेंक दीजिए, एक ही छोर मारिए ना। हाँ थोड़ा और कोशिश कीजिए, वेरी गुड। दिए है आपके रंजन भाई, इस स्कूल के छात्र रहे हैं, 1990 के आसपास में ये स्कूल में पढ़ा करते थे और आज 2022 हो चुका है, लगभग कहा जाए कि 30-32 साल पहले की बात है। इसको और ऊंचा करना है नहीं तो सब लेके चल देगा। रंजन भाई कैसे कर रहे हैं आप? जड़ में सटा ना। ओ सलाजिन जा, सलाजिन जा, थोड़ा सा समझाइए, थोड़ा कैसे कैसे कर रहे हैं। उसका उठंटी जड़ में सटाना दो, रे उतार जो है ना वो बेकार लगा है, वो हैंडिले में खींचे ना लगा के। छोटा सा करना पड़ेगा उसको, छोटा कीजिएगा तब ये जाकर दाना वगैरह रहेगा, चिड़िया दाना खाएगी और पानी पिएगी, और सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं होना चाहिए, साथ साथ सारा काम होना चाहिए। इसी बीच हमारे फैज साहब भी यहाँ पर आ गए हैं, सब भी नेकी है, नेकी का काम है। ले तो जाएगा लेकिन इसको पर डे जो है ना उसको निकालना पड़ेगा। बात सही है, वो ले जाएगा, बड़ा काम। अब देखिए इसमें पानी डाला जा रहा है और रंजन भाई चारों जो आपका जो बना हुआ है गेहूं रखने का या अनाज रखने वाला उसमें डाल दीजिए पर्याप्त मात्रा में। काफ़ी पुण्य का काम, काफ़ी नेक काम, काफ़ी सवाब का काम रंजन भाई के माध्यम से यहाँ पे किया जा रहा है और सारे लोग यहाँ पर खुश हैं इस काम को देख के। बस छोड़ दीजिए, रंजन भाई हो गया। सलाउद्दीन भाई का जरूर लीजिएगा। हाँ सलाउद्दीन, और इन्हीं के देख रेख में पूरा फूल कीजिएगा तभी ठीक रहेगा।
लेकिन यही है कि लोड चेला बर्दाश्त करेगा कि नहीं करेगा, यही बात ये जो है ये पतला लग रहा है बहुत स्कोप वाला, ये शंकर भाई जो के हमारे बहुत ही करीबी लोग में से हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा चाहने वाले में से हैं। शंकर भाई इसको उठा कर दीजिए, शंकर भाई के हाथ से दो, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना अच्छा कितना बड़ा नेक काम यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है मुरादपुर चौक पे। फिलहाल चिड़िया इस पे पानी पिएगी और इसके अनाज को खाएगी और दुआएं देंगी। जिन बच्चों ने जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है मालिक उन सब लोगों को लंबी उम्र दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर इस चीज़ को देखने के बाद। तब हुआ डन हो गया, बहुत भारी है क्या, वेट बर्दाश्त कर लेगा, हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है। फिर दोस्तों मैं आप लोगों से लोगों को फिर दिखाऊंगा कि अब क्या होता है नहीं होता है। सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब लोगों की गाइडलाइन में इस काम को अंजाम दिया गया है। चलिए जो जो सामान जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ रख दीजिए। सारे बच्चों का बहुत बहुत आभार। तक मुझे लगता है कि आज की वीडियोस आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आई होगी तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, इसी तरह की इनोवेटिव और आगे भी लाता रहूँगा। ये रहा लुक आपका कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा और इनोवेटिव आइडिया है। और काफ़ी ये काम जो है मैंने जो बच्चे लोगों से ही मैंने करवाया है, क्योंकि ये सब काम करते रहने से थोड़ा एक आइडिया जनरेट होता है, भविष्य जो है उज्ज्वल होता है। शिक्षा का मूल मंत्र भी बेसिकली यही है, मेनली आपका यही होना भी चाहिए, क्योंकि जो बेजबान चीज़ें हैं जो बोल नहीं सकते हैं उनको हमको बेनिफिट्स पहुँचाना है। चलिए दोस्त मिलते हैं फिर आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।